नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। टीवी की सबसे संस्कारी गोपी बहू ने हाल ही में सलमान खान के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 13 में बेब बनकर एंट्री मारी है। उनका कहना है कि सीरियल में गोपी बहू के किरदार में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया, लेकिन वो बिग बॉस के जरिए देश की जनता को असली देवोलीना भट्टाचार्य से रूबरू करवाना चाहती है। लगता है यही वजह है कि वो शो में पूरी तैयारी के साथ आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देवोलीना घर में अपने साथ करीब 150 ड्रेसेस लेकर गई हैं। इन ड्रेसेस में उनके डेली वेयर के अलावा नाइट सूट्स, गाउन्स, साड़ी और सभी तरह की ड्रेसेस हैं। दरअसल शो में जाने से पहले देवोलीना ने एक बातचीत के दौरान कहा था, मैं करीब 150 ड्रेसेस लेकर जा रही हूँ जिसमें सभी कुछ मिक्स है, जैसे नाइट सूट, गाउन और दूसरे डिजाइनर वेयर। मैं घर में इन सभी कपड़ों को पहनने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ज्यादा मेकअप की शौकीन नहीं हूँ, इसीलिए बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन खुद को स्क्रीन पर प्रेजेंटेबल जरूर बनाए रखूंगी। मैं अपना लुक सिंपल और बहुत कम मेकअप के साथ नजर आऊंगी। बता दें कि देवोलीना ने बिग बॉस 12 की सृष्टि रोड और सीजन 11 की हिना खान की याद दिला दी है। ये तो आप जानते ही हैं कि बिग बॉस सीजन 11 में हिना खान अपने कपड़ों को लेकर काफी सुर्खियों में रही थी और शो में बेहद ही ग्लैमरस अवतार दिखाया था, जिसे सीजन 12 में सृष्टि रोड ने भी फॉलो किया था। लगता है अब देवोलीना भी हिना खान को फॉलो कर रही हैं। खैर, शो में देवोलीना सभी ड्रेसेस तभी पहन पाएंगी जब वो एलिमिनेशन राउंड से बचती रहें। वैसे आपको क्या लगता है, देवोलीना ग्लैमर के मामले में हिना खान को मात दे पाएंगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।